दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जॉब ज्ञान। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं जिंदल कंपनी में निकल रही वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिंदल स्टील कंपनी बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनी है और इसके प्लांट कई जगह पर हैं, स्थित हैं, ठीक है। तो अगर आप भी यहाँ पर 10th पास 12th पास या फिर ITI पास हैं तो आज आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका निकल कर आ रहा है। लड़के एवं लड़कियाँ दोनों प्रकार के यहाँ पर लोग आवेदन कर सकते हो। काम सिर्फ आपको 6 घंटे से लेकर के और 8 घंटे के बीच में काम रहेगा, ठीक है। अगर आप ओवर टाइम करना चाहते हो तो वो भी सुविधा आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पर देख सकते हो 23,700 रुपये तक यहाँ पर आपको सैलरी मिल सकती है। विद आपको यहाँ पे बोनस भी मिलेगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे 10th पास हैं या फिर 12th पास हैं या फिर ITI पास हैं तो भी यहाँ पे आप काम कर सकते हो। नो एग्ज़ाम है, नो फीस है, ठीक है। जिसकी अंतिम तिथि आपको यहाँ पे 30 सितंबर तक रखी गई है। जल्दी से अप्लाई करना है। कैसे आपको अप्लाई करना है वो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 5,500 टोटल पोस्ट यहाँ पे निकल कर आ चुकी हैं। किन किन पोस्टों में निकल कर आ रही हैं वैकेंसी तो यहाँ पर देख सकते हो, क्लर्क की पोस्ट है, सुपरवाइज़र की पोस्ट है, मैनेजर की पोस्ट है, ITI ट्रेनिंग की पोस्ट है, सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है और यहाँ पर प्यून की पोस्ट है, ठीक है। बात करें दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन मोड आपका किस प्रकार का रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, अप्लाई मोड जो है यहाँ पर आपका ऑनलाइन दे रखा है, ठीक है, यानी थ्रो ऑनलाइन दे रखा है, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो मिनिमम एज जो है यहाँ पे 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम एज जो है यहाँ पर 45 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। जॉब लोकेशन की हम लोग बात करें तो देख सकते हो इंडिया में जॉब निकल कर आ चुकी हैं, ठीक है। ऑल इंडिया से ऑल लोकेशन पर जॉब है। कहाँ कहाँ से जॉब निकल कर आ रही हैं वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लोकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो 10th पास 12th पास डिप्लोमा या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो तो अगर आपने ITI कर रखा हो तो भी यहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। चाहे आप फ्रेशर हो या फिर आप एक्सपीरियंसेस कैंडिडेट हो, ठीक है। अगर आप अप्रेंटिस के लिए जॉब करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आपको कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा लाभ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। सैलरी भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको मिलने वाली है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे रहने वाला है तो यहाँ पे देख सकते हो सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका यहाँ पे रिटर्न एग्जाम एंड यहाँ पे इंटरव्यू बेस्ड ऑन होने वाला है, ठीक है। रिटर्न एग्जाम एंड इंटरव्यू होने वाला है कैंडिडेट के लिए। आप आपको रिटर्न एग्जाम और यहाँ पे इंटरव्यू देना होगा, ठीक है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है तो यहाँ पे देख सकते हो पे स्केल जो है वो एप्लीकेशन विल बी सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑन यहाँ पे जो सैलरी रखी रखी हुई है वो यहाँ पे 9,500 से लेकर के 70,500 रुपये तक यहाँ पे सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि आपके वर्क एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो जनरल OBC कैटेगरी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है, निल है, ठीक है। एज ही SC कैटेगरी के या फिर ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है, निल रखेगी, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, किस प्रकार आपको अप्लाई करना है तो आप देख सकते हो ये जो वेबसाइट दे रखी है ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, ठीक है, जिंदल कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जाकर के अपनी पूरी बेसिक डिटेल भरोगे, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, यहाँ पे सारी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया शुरू में ही, तो जल्दी से अप्लाई कीजिए और अप्लाई के लिए यहाँ पे आप भी आप क्लिक कर सकते हो या फिर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ पे भी आप क्लिक करके फॉर्म को पूरा सबमिट सक्सेसफुली भर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।